वालेकुम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं शाहिन हसन आपकी दोस्त आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ क्योंकि इस वीडियो में जितने भी अपडेट है, हैं सब घुसमेंद सर ने दिए तो दोस्तों उसको जानेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी आप ये वीडियो देखें और उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे passive we promised our founders as always we over delivered stay tuned for much much, much more, more to, to come. come we are preparing to deploy some of the most robust and creative marketing campaigns ever done by a business in any, any sector Proudly. We are announcing our partnership with VN Sports as a sponsor of the live streaming of the biggest sports event in the world. Unpassive will be featured in all of the games of this exciting season. We are the champions, and we just keep winning. It's fun time. डेफिनेटली दोस्तों इट्स अ फन टाइम और फन टाइम में तो हम आ चुके हैं दोस्तों और हम लोग हंड्रेड परसेंट वी आर द चैंपियंस हो हम लोग तो विनर्स हैं ही हैं लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए और इस अपडेट में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए तो दोस्तों बात करते हैं ऐसर ने कितने प्राउडली हमें अनाउंस किया है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो बींग स्पोर्ट्स के साथ है और आपको पता है लाइव स्ट्रीमिंग और जो बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड है आज के टाइम में सो तो दोस्तों ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी फाउंडर्स के लिए और बार मतलब ये आप एस सर का जो ये जो प्राउड फीलिंग है ना जो उनका ये अनाउंसमेंट है जो उन्होंने जिस तरह से बोला है डेट वॉज अमेजिंग मतलब सुन के ही इतना प्राउड फील हो रहा है आप सोचिए मैं शायद इस वीडियो को यहाँ नहीं भी डालती लेकिन जब ऐस सर ने इसको इतने अच्छे से बताया है ना कि मैं अपने फाउंडर्स को ओवर डिलीवर करना चाहता हूँ स्टेट यून रही सो ये चीज़ उनके मुंह से सुन करके बहुत ही प्राउड फील हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा था इसीलिए मैंने इस वीडियो में अपना ये एस सर का वीडियो डाला सो दोस्तों बात करते हैं घुसमेंद्र सर ने इसके बारे में हमें बताया कि स्पोर्ट्स चैनल जो है इसके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है दोस्तों वो ऑलरेडी पेड है सब कुछ पे हो चुका है तो कुछ ये हमें नहीं करना है इसमें और थ्री कंपैंस होंगे जो कि टेन डेज़ में होंगे और थर्टी डेज़ का जो है ये वर्ल्ड कप होने वाला है और दुबई की जो मार्केटिंग कंपन है वो रेग वो भी जो है अब शुरू होने वाली है साथ ही साथ दोस्तों लाइट शो होने वाले हैं दुबई में और उसके साथ सम फाउंडर्स आपको पता है जब गए थे दुबई तो उन लोगों ने जब देखा कि हमारे एड्स वहाँ पर आ रहे हैं सो दे आर वेरी हैप्पी कि इतना प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को कि इतना हमारे पूरे दुबई में हमारा ही नाम है ऑन पैसे वॉन पैसे सेम ऐस अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों मेरे एक रिलेटिव वहाँ पर हैं और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आप मैं आप जो हैं बहुत अच्छी जगह पर हैं बहुत अच्छी कंपनी के साथ

सो so, अगर बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 218 प्लस कंट्रीज में अगर ऑन पैसिव है तो 200 सारी दुनिया ही आज की डेट में जो है ऑन पैसिव को जानती है सो so, अब हम बात करते हैं उन अपडेट्स की जो हमें गुस्मिंदर सर ने दिए तो दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मैच के जो स्टार्ट होने से पहले हमारे वहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग होगी उसके बारे में बताया हमें एक उसमेंद्र से क्योंकि सेकेंड हाफ तक तो जो डिस्कशन है एडवर्टाइजिंग है वो सब होगा लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ नहीं होगा क्योंकि एक एक ह्यूमन फिलासफ़ी उन्होंने बताई कि जो कि रीड की गई है उसमें उन्होंने बताया कि ऐश ने सोचा कि हम कौन से टाइम में जो है अपना एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अटेंशन कब लोगों की हम अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट लोगों को कर सकते हैं या उनकी अटेंशन को ग्रैप कर सकते हैं वो टाइम कौन सा होता है तो उन्होंने कहा किरियोसिटी जो है लोगों को हाफ टाइम तक जो है वो बनी रहती है और उसके बाद जो है लोग अपनी टीम को देखने लग जाते हैं कि अभी कौन विनर है कौन आ, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस चीज़ में उन लोगों का दिमाग चला जाता है लेकिन हाफ टाइम से पहले पहले जो है लोगों का कंसनट्रेशन हम अपनी तरफ ला सकते हैं तो स्टार्टिंग में लोग जो है वो जरूर देखेंगे क्योंकि ज़बरदस्त स्टार्टिंग होने वाली है दोस्तों हर जगह वहां पर आपको ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव ही नज़र आएगा आप लोग खुद सोचेंगे ये हो क्या रहा है बड़े बड़े लोग वहां पर ऑन पैसिव को देखेंगे और बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर होंगे जो कि उस टाइम हमारे ऑन पैसिव को देखेंगे उनकी अटेंशन ऐसी होगी कि ये क्या है आखिर ये ऑन पैसिव है क्या मतलब अरबों लोग जब वहाँ पर होंगे आप सोचिए तब वो वहाँ पर देखेंगे कि हर जगह ऑन पैसिव का यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं दोस्तों हर तरफ तेरा जलवा यानी कि हर तरफ उस टाइम जो है ऑन पैसिव का जलवा होगा जिस तरह से गुस्मेंदर भी बताया दोस्तों जैसे हमने पहले भी बात करी कि हर बात का एक वक्त होता है और राइट टाइम जो है इस वक्त ऑन पैसिव में हर काम का एक राइट टाइम बना हुआ है कि जो ये हमारी क्लोजिंग है फाउंडेसिप की ये क्लोज होने का एक राइट right टाइम है हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए ये एक राइट right टाइम है साथ ही साथ जो ये वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप हमारे पास आई है इसके लिए राइट right टाइम है तो अभी जो वर्ल्ड कप जो है वो कौन लोग देखते हैं वर्ल्ड कप का जो ये टाइम है ना राइट right नाउ ये बहुत ही बेस्ट टाइम है ऑन पैसिव के लिए भी और वर्ल्ड कप कौन लोग देखते हैं वर्ल्ड कप देखते हैं पैशनेट लोग जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं इन्जॉयमेंट करने वाले लोग भी जो है वो लोग भी देखते हैं वर्ल्ड कप और ऑन पैसिव में क्या है ऑन पैसिव में सबके लिए एक रिफ़्रेशिंग है एक बहुत ही अच्छा उनको इफेक्ट मिलने वाला है कि यहाँ से एक अच्छी चीज़ मिलने वाली है और आपको एक चीज़ और बता दूँ दो दोस्तों बताया कि ऑन पैसिव को जो सर्च करेगा ना बड़ा अच्छा स्लोगन बोला गुस्मिंदर सर ने सर्च किया नहीं दर्ज हुआ नहीं यानी कि अगर उसने ऑन पैसे को सर्च किया गूगल पे तो जैसे ही वो क्लिक करेगा गूगल पे तो डेफिनेटली वो हमारे साथ आएगा ही आएगा क्योंकि हर गेट पे हमारा एक फाउंडर खड़ा है दोस्तों और उस फाउंडर के लिंक से ही वो अंदर आएगा ये भी बताया है कि उसमेंद्र सिंह ने कि ऑन पैसिव को इस तरह से बनाया गया है कि वो कोई भी अगर हमें क्लिक करेगा कोई भी हमें सर्च करेगा तो ऑन पैसिव उसको अंदर लेकर आएगा ही आएगा और मे बी फर्स्ट डे में ही दोस्तों हम लोग वन मिलियंस हो जाएँ या हो सकता है सेवेंटी थाउजेंड एटी थाउजेंड कुछ भी हो सकता है मतलब कि फ़र्स्ट डे में अगर हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है और मिस्टर एश जो हैं वो आपको पता है रियल मार्केटर हैं उनका जो बीस बाईस साल का जो एक्सपीरियंस है ना फ्रेंड्स वो अब एग्जीक्यूट होने जा रहा है उन्होंने पूरी मेहनत के साथ पूरी शिद्दत के साथ जो है ऑन पैसिव को रेडी किया है उसके प्रोडक्ट्स को रेडी किया है उसकी मार्केटिंग प्लान की है कि, कि किस तरह से उन्हें क्या क्या करना है मतलब कि ऐश सर का ख़ुद का भी ये कमिटमेंट है कि मुझे अब हर जगह ऑन पैसिव फैलाना है ये कहिए और वो चाहते भी हैं जैसे हमने आपको पहले भी बताया वो चाहते हैं कि अब वो अपने फाउंडर्स की जेबों में पैसा डालें तो दो एप्पल्स गिरने का भी राइट टाइम आ चुका है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और हेड्स ऑफ है ऐश सर को कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे ऑन पैसि को डिज़ाइन किया इस पूरी मार्केटिंग को डिज़ाइन किया सो रियली सैल्यूट है पता नहीं ऐश सर वाकई में इतना इस वक्त मेहनत कर रहे हैं रात दिन जाग रहे हैं कब सो रहे हैं कब जाग रहे हैं कुछ पता सो स्टेट यून फ्रेंड्स सभी के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और उसमें मिलते हैं आपसे थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय